अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, अपनी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, मैं एडवोकेट राजा चौधरी बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। अम्बेडकरनामा में आज कहानी चिराग पासवान की और दिग्गज नेता रामबिलास पासवान की सुर्खियों में है और ये गालिब का शेर उन पर फिट बैठता है, इसलिए बिहार की राजनीति में ये मैंने शेर पढ़ा। मैं आपको चिराग पासवान की कहानी बताऊं, उससे पहले मैं आपको कहानी बताता हूं रामबिलास पासवान की। रामबिलास पासवान जी अपने ज़माने में एक ऐसे नेता थे जो शोषितों के लिए, जो वंचितों के लिए, जो दलितों के लिए, जो बहुजनों के लिए, और वो सभी समाज के पिछड़े तबके जिनको कोई अधिकार नहीं मिला था, उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए किसान सो पाने बांधी गाठ, पिछड़ा पाबे सौ में साठ, राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात, ऊंची जात का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात का क्या पहचान, करे काम और सही अपमान। अंग्रेजी यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। करखनिया दामों का कीमत, आने खर्च से डौड़ा हो, अन्न की दाम की घटती बढ़ती, आने शेर के भीतर हो। महंगाई को जो नहीं रोके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदल। देखिए, ताली बजाने की जरूरत नहीं। उन्होंने राजनीति में कई समझौते किए, लेकिन उन्होंने सांस्कृतिक रूप से कोई समझौता नहीं किया। और उसी रामबिलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान की जो स्थिति है आज बिहार की राजनीति में, उनकी गाथा आज मैं अम्बेडकरनामा में पेश कर रहा हूँ। तो बात बिहार में 90 के दशक की है। रामबिलास पासवान जी किसी आयोजन में जा रहे थे और आयोजन में जाते वक्त उसे किसी ने इशारा दिया। उसे लगा कि जिसका कपड़ा फटा हुआ है, जिसके तन पे वस्त्र नहीं है, उसे कोई पुकार रहा है। वो अपना गाड़ी रोकते हैं और गाड़ी रोकने के बाद वो पूछते हैं कि तुम्हारी समस्या क्या है। जिन व्यक्ति ने इशारा किया था वह डोम जाति से थे और वो कहे कि मालिक, हमें तो अपने गाँव में कोई जाने नहीं देता है, गांव से दूर मुझे रखा गया है, मुझे कुएं से कोई पानी नहीं निकालने देता है। रामबिलास पासवान यह सुन करके बहुत अचंभित हुए। वो बोले कि ठीक है, मैं इसका इलाज करता हूँ। रामबिलास पासवान जी उसके दूसरे दिन ही वहाँ पे टेलीफोन लगवा देते हैं, उनके घर पे, उस डोम जाति के घर पे टेलीफोन लगा देते हैं और एक चापाकल गड़वा देते हैं। आप 90 के दशक की बात में बता रहा हूं। आप देखेंगे कि उस समय सबके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था और जब भी किसी को फ़ोन करना होता था तो वो रामबिलास पासवान जहां पे लगाए थे फ़ोन और चापाकल, जिनको पानी भरना होता था वो वहीं जाते थे। इससे आप देखेंगे कि वो सभी जातियाँ जो उनसे नफरत करते थे, जो उनको कुएँ से पानी नहीं भरने देते थे, रामबिलास पासवान के इस कदम से सभी जाति के लोग उनके घर पे जाने लगे, फ़ोन पे बात करने के लिए उनका खुशामद करने लगे। नेता जो वंचित तबके से पहली बार, पहली पीढ़ी के लोग विधानसभा में, लोकसभा में चुन करके आए थे, तो अपने तरीके से समस्याओं का निदान करने की कोशिश कर रहे थे। बाद के दिन में जब वो एक भाषण में, भागलपुर में एक भाषण दे रहे थे, तो कह रहे थे कि जो मोबाइल फ़ोन अंबानी का खिलौना हुआ करता था, हम लोगों ने मिल करके उसे मगरुआ का फ़ोन बना दिया और आज सभी के पास भिंडी के, रमतरोई के दाम में मोबाइल फ़ोन मिल रहा है। उस समय वो दूरसंचार मंत्री भी थे। बाद के दिनों में उनका लंबा संघर्ष रहा, चाहे वो मंडल आयोग आंदोलन में हो, चाहे अन्य आंदोलन में हो, वो लगातार संघर्ष करते रहे। कई राजनीतिक समझौता भी किया, लेकिन मैं जितना जानता हूँ, मैं जिस रामबिलास पासवान को जानता हूँ, वो अपने भाषण में और वो अपनी राजनीति में कभी सांस्कृतिक लेवल पे और दर्शन के लेवल पे वो कभी समझौता नहीं किए। वो हमेशा, चाहे वो सामाजिक न्याय की लड़ाई हो, चाहे वो वंचितों तबकों की लड़ाई हो, उसमें वो हमेशा, चाहे वो भाजपा के साथ रहे, लेकिन अपनी आवाज़ उठाते रहे। ये लोग क्या कहते हैं, हम लोगों को दुर्भाग्य से जो है 77 के बाद से ट्रेनिंग खत्म हो गया। हम भी हो गए हम जो है सत्ताप्रस्त हो गए। कार्यकर्ता क्या कहते हैं कि नेता को देखने लगा कौन पार्टी में है, क्या है, कौन पार्टी पावर में आएगी। तो जो पढ़ाई जो था वो सारा का सारा पढ़ाई जो है वो ख़त्म हो गया। हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि देखो अमीर गरीब में झगड़ा हो तो हमेशा गरीब का साथ दो, औरत मर्द में झगड़ा हो तो हमेशा औरत का साथ दो, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में झगड़ा हो तो हमेशा अल्पसंख्यक का साथ दो, सरकार और क्या कहते हैं जनता के बीच में झगड़ा हो तो हमेशा जनता का क्या कहते हैं कि साथ देना चाहिए। ये ट्रेनिंग क्या कहते हैं कि जो है ट्रेनिंग दिया जाता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो ये आरक्षण का मुद्दा आया है, ये असल जो आरक्षण का मुद्दा था वो तो 24 सितंबर 32 का था। ऐसे अनेक कहानी है जो रामबिलास पासवान के बारे में मैं सुना सकता हूं, लेकिन एक एपिसोड उनके लिए काफ़ी नहीं होगा। आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि अम्बेडकरनामा ऐसे तमाम वंचित तबकों के नेता के बारे में जैसे आपको सुनाया जा रहा है, उनकी कहानी, उनके इतिहास, उनके भाषण, उनके लेखन को रामबिलास पासवान के बारे में भी हम लोग सुनाएंगे। आपको बता दें कि एक लंबे समय तक उन्होंने 11 बार चुनाव लड़ा और वो लगभग 6 प्रधानमंत्रियों से अधिक के साथ उनका अनुभव रहा है, लंबा अनुभव रहा है। उनके बाद आप देखेंगे कि 9 बार वो चुनाव जीतने में सफल हुए और एक बार वो एमएलए रहे हुए हैं। मैं नहीं जानता कि उनके बेटे उनके संघर्ष और उनके दर्शन, उनके राजनीति को कितना दूर ले जाएगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि रामबिलास पासवान जी की जो पिछले साल 8 अक्टूबर 2020 को देहांत हुआ था, उनके बाद उनके सुपुत्र चिराग पासवान ने जब से सत्ता संभाली है तो एक राजनीति में एक नई रूपरेखा उन्होंने खींचा है। पिछले चुनाव में आपको याद होगा कि वो कहे कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ था, हूं और रहूंगा। तस्वीर को भी लेकर विवाद हुआ कि ये लोग हमारी प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगा सकते, मुझे कहीं तस्वीर नहीं लगानी है, मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं, मैं उनका हनुमान हूं, हनुमान की तरह चीर के देख लें मेरा सीना, मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। तस्वीर लगाने की जरूरत मुख्यमंत्री को है, क्योंकि निरंतर धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, सीएए एनआरसी को लेकर निरंतरता में मुख्यमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री का विरोध किया। तो इसलिए तस्वीरें वो उनके साथ अपनी लगाएं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है, मंच वो साझा करें। मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था, हूं और भविष्य में भी रहूंगा। मेरा संकल्प है कि 10 तारीख को चुनाव परिणामों के बाद मैं सही मायनों में बिहार में डबल इंजन की सरकार देना चाहता हूं। जिस तरीके से केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में, वैसे ही 10 तारीख को परिणामों के बाद बिहार में भी भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बने, ये मेरा संकल्प है। और हनुमान तो बन गए, मीडिया ने खूब बहवाई की उनकी, भाजपा ने खूब तारीफ किया, लेकिन उसके चाल को वो समझ नहीं पाए। वो जिस मंत्री बनने के फिराक में थे, जो यानी जिनको मंत्री बनना था, वो मंत्री भी नहीं बन पाए। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अम्बेडकरनामा का एक एपिसोड आप जानते होंगे, उस एपिसोड में कहा गया कि सुग्रीव के मंत्री थे हनुमान। तो राम राज्य में कभी हनुमान को मंत्री नहीं मिला था, राम राज्य में तो वो सेवक बन के ही रह गए थे। तो चिराग पासवान जी अभी तक सेवक बन करके रहे हैं। मुझे उनकी जो अभी दशा है भाजपा में, उनके ऊपर एज ए रिसर्चर, नॉट ए पॉलिटिशियन, एज ए रिसर्चर में एक शेर में मुझे याद आता है, सबे इंतजार की कसमकस में न पूछ कैसे शहर हुआ, कभी एक चिराग जला दिया, कभी चिराग बुझा दिया, कभी चिराग जला दिया, कभी चिराग बुझा दिया। लोक जनशक्ति पार्टी आप जानते होंगे कि बिहार में इनका एक राजनीतिक आधार है और उस राजनीतिक आधार में अभी 6 में से 5 MLA जो है वो सांसद चिराग पासवान के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार पशुपति पारस जो कि उनके चाचा हैं, प्रिंस राज, चंदन सिंह, बीना देवी और महबूब अली केसर ने बगावत कर दी है। लोजपा के जो एक विधायक बिहार चुनाव में पिछले साल जीते थे, वो भी जदयू में शामिल हो चुके हैं। इस घटना का इतना बड़ा अंजाम हुआ कि चिराग पासवान को मजबूरन अपने चाचा जी के पास जाना पड़ा और उस समय वो अपने हाथ में पट्टी, कलाई और किनुआ लगा कर पहुँचे थे। राजनीति में आप देखेंगे कि चाचा के जब घर पे अब वो जाते हैं तो 20 मिनट तक कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है और वो लंबे समय तक इंतज़ार करते रहते हैं, अंदर से कोई उनको बुलाता नहीं है। ये समय समय का इतिहास है। राजनीति की अपनी एक कला है, मतलब उसमें राजनीति की अपनी एक मजबूरी होती है जो समय सबका इतिहास उसको दिखाता है। उसके बाद चिराग पासवान ने यह भी कहा कि उनकी माँ को अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन उनके चचा जी ने इस बात को भी नहीं माना। आपको बता दूं, मैं फिर से इतिहास में अगर आप जाएंगे तो इतिहास में इब्राहिम लोदी और उनके चाचा आलम खान की भी एक लड़ाई थी, यानी चाचा भतीजा की लड़ाई पुरानी है। उस लड़ाई में अगर आप देखेंगे तो ये पानीपत का जो युद्ध था, पानीपत के युद्ध में चाचा जी बाबर के साथ चले जाते हैं और बाबर जीत जाते हैं। इस पूरी लड़ाई में बाबर कौन है, किसकी जीत होगी, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना कहेंगे कि भारतीय राजनीति में और पुरानी राजनीति में जो ऐसा रहा है कि चाचा की जीत हो ना हो, लेकिन चाचा के बहाने में कोई और जीत जाता है, जैसे बाबर जीत गया था 1526 की लड़ाई में। अस्किया के अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगा, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, तेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं कर रहे हैं। महताब राय तवा की एक शायरी है, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। या यूं कहें जावेद अख्तर के शब्दों में, इन चिरागों में तेल ही कम था, इन चिरागों में तेल ही कम था, क्यों गिला करे फिर हमें हवा से रहे। तो जावेद अख्तर ने चिराग के बारे में जो कहा है, अब चिराग पासवान को ये साबित करना है आने वाले दिनों में कि वो हवा ऐसा था या चिराग में तेल ही कम था। चिराग उनके पुत्र है, आप जानते हैं चिराग पासवान उनके पुत्र है जिनके पिताजी भारतीय राजनीति में दूरदर्शिता के लिए जाना जाते थे। ये कहा जाता था कि रामबिलास पासवान मौसम वैज्ञानिक है और उनको सत्ता की नब्ज तुरंत समझ में आ जाती थी, लेकिन चिराग पासवान को अपने घर के मौसम का मिजाज का पता नहीं चला। एक महान योद्धा रामबिलास पासवान जी के मरने के बाद इस अम्बेडकर नामा परिवार को और मुझे जितना दुख नहीं हुआ उतना दुख आज हो रहा है, क्योंकि उनके संघर्षों का इतिहास कौन लिखेगा, उनके राजनीतिक दर्शन का इतिहास कौन लिखेगा। ये भविष्य की बात है कि उनकी राजनीतिक सत्ता कौन चलाएगा या नहीं चलाएगा, उनके पुत्र चलाएंगे या उनके भाई चलाएंगे या उनकी पत्नी चलाएगी। लेकिन हमें ये जानना है, हमें ये समझना है और हमें जोरदार तरीके से कहना है कि रामबिलास पासवान अपने ज़माने के वो नेता थे जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके दर्शन को संजो के रखने की ज़रूरत है, उनको इतिहास में एक मजबूत स्तंभ खंभा के रूप में साबित करने की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि रामबिलास पासवान जी ने 2002 में जब दंगा हुआ था उस समय ये बताते हुए उन्होंने एनडीए से इस्तीफा दे दिया था कि कभी उनकी पार्टी और वो दंगा जो दंगाई व्यक्ति है उनके साथ वो नहीं रह सकते हैं। क्या ये उसका बदला है? क्या ये उसी रंजिश का एक पार्ट है? ये भी एक शोध का विषय है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि भारतीय राजनीति में जो भी भाजपा जैसे दल के साथ गठबंधन करेगा और अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन से समझौता करेगा, उनका राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष और व्यक्तिगत संघर्ष का धूमिल होना एक न एक दिन तय होता है। चाहे वो नीतीश कुमार आज सत्ता में क्यों न हो, उनका एक न एक दिन आप देखेंगे कि उनको दर्शन को बताने वाले, उनको समझाने वाले कोई नहीं बचेगा, क्योंकि जो सिद्धांत विरोधी पार्टी होती है वो दर्शन वो आपको ये पुरानी लड़ाई है, आप देखेंगे कि बुद्ध से लेकर के अम्बेडकर से लेकर के और अब तक की लड़ाई है कि वो जो सैद्धांतिक व्यक्ति होते हैं, जो सामाजिक लड़ाई के लिए लड़ रहे व्यक्ति होते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता, भाईचारा, बंधुत्वता और समानता और स्वतंत्रता के लड़ रहे लोग होते हैं, उनको धूमिल कर दिया जाता है। इस बात से सचेत रहने की ज़रूरत है। मैं अंत में एक बात, जो सबसे अहम बात, वो ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय राजनीति की जो दुर्दशा है उस पर एक बात मुझे कहना है कि इस बात को कहते हुए मैं एक महान कवित्री विशलावा शिम्बोस्का की कविता के साथ मैं अपनी बातों को अंत करूँगा। वो कहा करती थी, और उसी बातों में आप उसका भावार्थ समझिए, इस सदी में कितनी ही चीज़ें थी जिसे इस सदी में होना था पर नहीं हुआ, पर जिन्हें नहीं होना था हो गया। खुशी और बसंत जैसे चीज़ों को और करीब आना था, पहाड़ों और घाटियों से उठ जाना था आतंक, भय और छाया, इससे पहले कि झूठ और मक्कारी हमारे घर को तबाह कर दे, हमें सच की नींव डालनी थी। इससे पहले मैं आपको फिर से कोट अनकोट याद दिला देना चाहता हूँ, इससे पहले कि झूठ और मक्कारी हमारे घर को तबाह कर दे, हमें सच की नींव डालनी थी। इससे पहले कॉन्टेक्स्ट वाइज कि हमें जो हमारे जिनके साथ चिराग पासवान थे वो घर को तबाह कर दे, उससे पहले उनको सच की नींव डालनी थी। हमें सोचना था कि आखिरकार मतलब खुदा को भी अच्छे और ताकतवर इंसान में भरोसा करना होगा, लेकिन इस सदी में अफसोस ऐसा हो न सका। इंसान, अच्छा और ताकतवर एक साथ नहीं हो सका। तो आज के अम्बेडकरनामा में इस संदेश के साथ कि राजनीति में एक अच्छे इंसान और एक मजबूत इंसान की ज़रूरत होती है। भारतीय राजनीति में ऐसे महान योद्धा दिए हैं, लेकिन कभी कभी अपने इतिहास में और अपने तजुर्बे में बहुत सारे लोगों की कमी हो जाती है। फिर भी हम ये कहते हैं कि जिन्होंने वंचित तबकों के लिए संघर्ष किया है और जिन्होंने आवाज़ उठाया है, उनको हमें शामिल करने की ज़रूरत है, उनके राजनीतिक दर्शन को पढ़ने की ज़रूरत है। ये सवाल हमारे लिए अभी महत्वपूर्ण नहीं है कि चिराग पासवान जी इसके वारिस असली वारिस है नहीं है। सवाल ये है कि रामबिलास पासवान जी का जो संघर्ष है, जो उनका दर्शन है, जो उनका राजनीतिक जीवन है, उनको कौन आगे बढ़ाएगा। आज के अम्बेडकरनामा में बस इतना ही। आप लगातार अम्बेडकरनामा देखते रहिए। हमारी ये मुहिम है कि आपको उन तमाम विषयों में अवगत कराया जाए, उन इतिहास से आपको अवगत कराया जाए, जिससे कि आपको ये संदेश मिले कि आप वैचारिक रूप से कैसे मजबूत हो सकते हैं। रामबिलास पासवान जी का एपिसोड और चिराग पासवान जी का एपिसोड इसीलिए था, और हम जो नए युवा हैं उनके लिए भी ये संदेश है कि जब भी वो दर्शनगत राजनीतिक रूप से अगर समझौता करते हैं तो एक दिन उसका विनाश तय है। धन्यवाद, जय भीम। आप लगातार अम्बेडकरनामा देखते रहिए। सबके मन बहलावा है भैया, तनी नाची गाई सबके। हमको मंदिर नहीं चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, हम लोगों को रोजगार चाहिए और नौकर नेता चाहिए। हमको चिराग पासवान हर हाल में चाहिए।